हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलिप्स। उसके बाद फिर हम लोग हाइपरबोला देखेंगे। तो इलिप्स क्या है? इलिप्स हमने पहले ही पढ़ चुका कि किसी भी कोनिक सेक्शन में कोई भी कोनिक सेक्शन वैसे पॉइंट का लोकस है जिसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है और जो बस बराबर होता है किसके एसेंट्रिसिटी के। और हम ये भी पढ़े हैं कि एसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है फॉर इलिप्स, यानी पी एस बाय पी एम छोटा 1 से, यानी पी एस छोटा कितना से, पी एम से। पी एस छोटा पी एम से मतलब, पी एस का क्या मतलब हुआ, फोकस से जो डिस्टेंस होगा। कोई भी इलिप्स वैसे पॉइंट का लोकस है, वैसे पॉइंट से बना हुआ है जिसका फोकस से डिस्टेंस ये पी, वैसे पॉइंट का लोकस ये एम, ये हमारा लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस से पी एस बाय पी एम जो कि एसेंट्रिसिटी होता है, पी एस बाय पी एम वो छोटा होता है कितना से, 1 से, यानी पी एस लेस देन कितना, पी एम। यानी कोई भी इलिप्स वैसे पॉइंट का लोकस है जिसका फोकस से डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। वैसे पॉइंट का लोकस जिसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। सो इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज ऑलवेज लेस देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। वैसे पॉइंट का लोकस है, इलिप्स वैसे पॉइंट से बना हुआ है, दो डायरेक्ट्रिक्स वैसे इसमें डी और डी डैश, तो फोकस भी दो है एस और एस डैश। वैसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दैट इज फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। क्योंकि किसी भी कोनिक सेक्शन में पी एस बाय पी एम कॉन्स्टेंट होता है जो बराबर होता है किसके, एसेंट्रिसिटी के। और इलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, यानी पी एस बाय पी एम हमेशा लेस देन 1, दैट इज पी एस लेस देन कितना, पी एम। तो पी एस का मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वो हमेशा, सॉरी फोकस से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। यानी कोई भी इलिप्स वैसे पॉइंट का लोकस है, वैसे पॉइंट से बना हुआ है जिसका फोकस से डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। मींस इलिप्स पर अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से हमेशा, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये था हमारा डेफिनेशन। दूसरा भी डेफिनेशन है जिस पे हम लोग थोड़ा सा बात आगे बात करेंगे, अब दूसरा है टर्म्स रिलेटेड विथ इलिप्स। इलिप्स से रिलेटेड टर्म्स क्या सब है, टर्म्स रिलेटेड विथ इलिप्स। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये एक इलिप्स है, या फिलहाल हम एक नॉर्मल इलिप्स लेके चलते हैं। अभी इक्वेशन छोड़ो, पहले हम जनरल एक इलिप्स लेते हैं। ये हमारा एक इलिप्स है जिसमें ये एक लाइन है, दूसरा ये भी लाइन है। इसका नाम है मेजर एक्सिस, और इसका नाम है माइनर एक्सिस।
और ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जहां पे मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। इलिप्स मेजर एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो वर्टेक्स है, तो भी ये वर्टेक्स है, दो वर्टिसेस है भी और भी डैश, ये दो फिक्स पॉइंट एस जिसका नाम क्या है फोकस, और यहां भी एक एस डैश फोकस है, ये क्या है कॉर्ड, कॉर्ड ये क्या है फोकस से पास करने वाला को क्या कहते हैं हम लोग फोकल कॉर्ड, ये क्या है वैसा कॉर्ड जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, क्या किसको क्या कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, और वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे दैट इज कॉल्ड क्या लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम। तो ये एक इलिप्स, और इलिप्स हमेशा अपने दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसे पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है वैसे ही इलिप्स भी अपने दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो थोड़ा सा इंक डाल दें, एक इलिप्स है और यहां दो फिक्स लाइन है, और वो दो फिक्स लाइन क्या है, एक का नाम है मेजर एक्सिस और दूसरे का नाम क्या है माइनर एक्सिस, एक का नाम है मेजर एक्सिस और दूसरे का नाम है माइनर एक्सिस, और वो दोनों हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, और जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं सेंटर। अब हमने दूसरा पॉइंट कहा कि इलिप्स अपने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर इसको मिरर मान लिया जाए तो ये पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, या फिर माइनर एक्सिस को अगर मिरर मान लिया जाए तो लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। अब वैसा लाइन सेगमेंट जो इलिप्स को दो पॉइंट पर मिले दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, वैसे किसी भी कोई भी लाइन सेगमेंट जो कर्व को दो पॉइंट पर मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, तो ये कॉर्ड हो गया। अब ये एक ऐसा कॉर्ड है जो फोकस से पास कर दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, वैसा कॉर्ड जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, और वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसे हम कहते हैं लैटस रेक्टम, और इलिप्स मेजर एक्सिस को जहां पर मिलता है उसको कहते हैं वर्टिसेस, दो वर्टिसेस है बी और बी डैश, दो फोकस है एस और एस डैश, और यहां दो लाइन है एक डी, डी फॉर डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन एक डायरेक्ट्रिक्स वो है और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये है डी और डी डैश, डी और डी डैश। तो ये टर्म्स रिलेटेड है, मोस्टली वही टर्म है, बस यहां दो एक्सिस है जिसका में से एक का नाम है मेजर एक्सिस और दूसरे का नाम है माइनर एक्सिस। क्लियर है? अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो हर चीज हम अपने चॉइस के हिसाब से लेते हैं, मेजर एक्सिस हम एक्स एक्सिस को मान लेते हैं, वाइजर माइनर एक्सिस हम मान लेते हैं किसको वाई एक्सिस को, वर्टिसेस मान लेते हैं ए जीरो और ये माइनस ए जीरो, फोकस मानते हैं ए जीरो और दूसरा माइनस ए जीरो, डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए बाई दैट इज ई एक्स इक्वल टू ए यानी ए एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू कितना माइनस ए बाई, ये हमारा ऑरिजिन है। तो इतना जैसे मैं पैराबोला में भी पहले से कुछ टर्म्स को डिफाइन कर चुका था, एज्यूम कर चुका था, वैसे यहां भी हमने एज्यूम किया, यहां एक इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस हमने एक्स एक्सिस को माना, माइनर एक्सिस किसको माना वाई एक्सिस को, और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ए जीरो माइनस ए जीरो दैट इज प्लस माइनस ए जीरो लिया, फोकी का कोऑर्डिनेट फोकस का प्लूरल दैट इज फोकी, फोकी का कोऑर्डिनेट लिया ए जीरो एंड माइनस ए जीरो दैट इज प्लस माइनस ए जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए बाई एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई लिया। अब
क्योंकि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेंगे, इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो पी एस बाय पी एम, और हम यहां ई का वैल्यू वन से छोटा ले चुके हैं, ये हमारा ए है और ये ए ई है, मतलब ए ई छोटा है किससे, ए से, इसका मतलब ई छोटा है कितना से, वन से, तो ई वन से छोटा हम ले चुके हैं। अभी पी एस बाय पी एम, पी एस बाय पी एम, पी एस बाय पी एम इज इक्वल टू कितना ई, और ई वन से छोटा है मतलब हम लेके चल रहे हैं पी एस बाय पी एम लेस देन वन, पी एस बाय पी एम बराबर हम ई लेके चल रहे हैं, और यहां तो क्लियर हम पहले से ले चुके हैं क्योंकि यहां ए ई छोटा है ए से, मतलब ई छोटा है कितना से, वन से, तो ये हमें जूम कर चुके हैं, इसका मतलब ई वन से छोटा है, ये हमें जूम कर चुके हैं, मीन्स पी एस बाय पी एम छोटा है कितना से, वन से। So, यहां से पी एस बराबर कितना हो गया ई पी एम, तो पी एस का क्या मतलब हो जाएगा, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू पी एम, पी एम का मतलब अल्फा बीटा से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज ई अल्फा माइनस ए का मॉड बाय रूट अंडर एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो इनटू पीएम, ई ई से ई कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू अल्फा ए प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू अल्फा ए। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, अब इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर प्लस कितना बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सो वन माइनस ई स्क्वायर। अब राइट साइड में जो है सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जहां बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस कितना ई स्क्वायर। ये जब भी हम इस इक्वेशन को याद रखेंगे, इलिप्स के इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, क्लियर है। इसके अलावा हम लोग नोट पे बात कर ले, नोट पॉइंट, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना 2 ए ई, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू कितना 2 ए बाय ई, तीसरा इसका एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी, चौथा एसेंट्रिसिटी कितना होगा, तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस सी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो एसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू बाय कितना ए स्क्वायर का रूट, ये हमारा एसेंट्रिसिटी है, अगर ए और बी अगर दिया हो तो एसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। So, इलिप्स का हमारा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जहां बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। इसी इतना ही पे जेई मेंस में 50% टाइम जो क्वेश्चन पूछा है वो बस इतना से ही पूछा है कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, बी ए और ई के बीच में ये रिलेशन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2 ए ई होता है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2 ए बाय ई होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी होता है, और एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो इतना एज्यूम करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आया, तो इस इक्वेशन के लिए सारा चीज वही होगा जो हमने माना है, जैसे इस इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस यहां एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, इतना ये a और ये a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना 2b, डिस्टेंस फोकी का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए जीरो, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए जीरो, डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई, डिस्टेंस बिटवीन फोसी 2ae, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2a बाय ई,
एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी एंड एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कितना ए स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो ये एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वन एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये वाई एक्सिस और ये हमारा फोकस है कितना ए और जीरो। तो क्या होगा अभी यही हमारा लैटिस रेक्टम होगा और चूंकि सिमेट्रिकल है तो ये डिस्टेंस अगर k है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा k। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा 2k। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ae है तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा ae और y कोऑर्डिनेट k होगा क्योंकि ये x एक्सिस है। अब चूंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है a पॉइंट लाई कर रहा है कहां पर इलिप्स पर तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो क्या होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय कितना ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहां से के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन सॉरी के स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर एक रिलेशन आ गया। और दूसरा रिलेशन हम पहले से जानते हैं क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कितना वन माइनस ई स्क्वायर। सो वन माइनस ई स्क्वायर के यहां पर यहां से हम पुट कर सकते हैं क्या तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा यहां से बी स्क्वायर बाय कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो यहां से के स्क्वायर बराबर बी फोर बाय ए स्क्वायर सो के इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना टू के दैट इज टू इंटू बी स्क्वायर बाय ए। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया कितना टू इंटू बी स्क्वायर बाय ए। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आया टू इंटू बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर है। अब आगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पीसी। सो ये एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वन। अब ये मेजर एक्सिस है तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल खींचे जिस सर्किल का नाम होगा ये लेंथ है ए इसका नाम होता है ऑक्सिलियरी सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल जिसका इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ए है तो दैट इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। अब इलिप्स पर हम एक पॉइंट लिया क्या पी तो पी पॉइंट के लिए एक ऑक्सिलरी सर्किल पर क्यू पॉइंट आया कौन सा पॉइंट आया क्यू पॉइंट। जैसे जैसे पी बदलेगा जैसे जैसे पी बदलेगा ऑक्सिलरी सर्किल पर एक पॉइंट क्यू बदलते जाएगा। इस पी के लिए ये क्यू है इस पी के लिए ये क्यू है तो दोनों पॉइंट एक दूसरे का कहलाता है करस्पॉन्डिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। इलिप्स के पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल पर क्यू पॉइंट है ऐसे ऐसे पी बदलेगा क्यू बदलते जाएगा। अब ये इस क्यू को हम मिला देते हैं सेंटर से और ये एंगल जो फाई बना ये फाई बना रहा है क्यू के साथ लेकिन ये फाई कहलाएगा एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी पी पॉइंट का पी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट को जब हम सेंटर से मिलाए तो वो जो बना रहा है मेजर एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो फाई एंगल कहलाता है एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी। अब ये लेंथ कितना है ए ये एंगल है फाई
तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए कॉस फाई। ओ एम इज इक्वल टू कितना होगा, ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉस फाई। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a cos phi, और ये लेंथ को मान लेते हैं सपोज k, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका k। ये a है, ये phi है, तो ये लेंथ हो गया a cos phi, और यही लेंथ इस पॉइंट का P पॉइंट का कहलाएगा, यही पॉइंट P पॉइंट का क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट। अब चूंकि ये लेंथ को मान लिया हमने k, तो y कोऑर्डिनेट हो गया k। अब ये पॉइंट चूंकि इलिप्स पे लाई कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव दैट इज साइन स्क्वायर फाइव। सो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन फाइव। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉस फाइव एंड बी साइन फाइव, जहां पे फाइव क्या है, पैरामीटर। फाइव क्या है, पैरामीटर। मतलब इलिप्स पर अगर कोई भी पॉइंट लेना हो, इस इलिप्स पर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं ए कॉस फाई और बी साइन फाई। जैसे जैसे पॉइंट चेंज करेगा फाई का वैल्यू चेंज करते जाएगा। क्लियर है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।